Good morning, students. Today in EBS, our work is practice assignment 2. आज हम अपना practice assignment 2 करेंगे. That is based on our second chapter, my body. तो एक बार मैं आपको my body chapter explain कर देती हूँ. What is given in this chapter? This is your chapter in your book, and this chapter is about our body. Which body parts are there in our body and what we do. Okay, so this is our chapter. You have to read this chapter, and in this chapter mainly 5 sense organs are there. हमारे 5 sense organs होते हैं. कौन कौन से हैं वो? Eyes, ears, nose, tongue, skin. And what are their functions? Let's read once. Our eyes help us to see. जो eyes हमारी होती हैं, they help us to see. Our ears help us to hear. हमारे जो ears हैं, वो हमारी hearing में मदद करते हैं, सुनने में. Our nose help us to smell. और जो nose है हमारी, वो smell करने में help करती है, ठीक है? Our tongue help us to taste. और जो tongue होती है, वो कोई भी टेस्ट, कोई भी चीज का टेस्ट उससे पता चलता है. Our skin help us to feel. और जो हमारी स्किन होती है बॉडी की, उससे हमें कोई भी चीज फील होती है. लाइक सॉफ्ट है, हार्ड है, हॉट है, कोल्ड है, ये सब चीज हमें हमारी स्किन के टच करने से पता चलता है. ओके, सो दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी एंड दे आर दिस इज सॉरी दीज आर देयर फंक्शंस. You have to read this chapter. और इसके अलावा फिर हमारे हैं और जो body parts हैं, like hands, legs, arm, feet, वो उनके क्या क्या functions हैं वो इस chapter में दिए हुए हैं. जैसे legs और feet हमें jump, walk, run और kick करने में help करते हैं. okay, arms और hands जो होते हैं हमारे, ये arms और ये जो पूरा hand है, ये हमारा write, paint, eat और hold things. जैसे मैंने बुक को होल्ड किया हुआ है, ऐसे चीजों को पकड़ने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज अवर चैप्टर. यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड आफ्टर रीडिंग यू हैव टू डू द प्रैक्टिस असाइनमेंट. प्रैक्टिस असाइनमेंट क्या है हमारा, चलिए देखते हैं. दिस इज योर प्रैक्टिस असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 2. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए, कॉलम बी, टू कॉलम्स आर गिवन हियर. एक में तो यहाँ जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, सॉरी फंक्शंस दिए हुए हैं कि सेंस ऑर्गन्स के क्या क्या काम होते हैं, और कॉलम बी में जो है हमारे इन सेंस ऑर्गन्स की पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है? तो ये हमें मैच करना है. लाइक टेस्ट, टेस्ट हम किससे करते हैं? विच सेंस ऑर्गन इज यूज टू टेस्ट? टंग. सो वी विल मैच दिस टू टंग. नेक्स्ट सी, सी हम किससे करते हैं? विच सेंस ऑर्गन इज यूज टू सी? सी आईज से करते हैं. सो वी विल मैच दिस वर्ड टू आईज. एंड हियर, हियर मीन्स होता है सुनना, तो सुनना किससे होता है? ईयर से. नेक्स्ट है टच, टच किससे करते हैं हम कोई भी चीज को? टच किससे करते हैं? स्किन, तो ये स्किन. और स्मेल किससे होता है? नोज से. तो इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज मैच करनी है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेस्ट योर फोटोग्राफ देन लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. यहाँ अगर आपकी पूरी बॉडी की एक स्मॉल साइज फोटो है, वो आपको यहाँ पेस्ट करनी है, और उसमें ये जो भी बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, ये उस पर लेबल करने हैं. मतलब आपके बॉडी पार्ट्स जो भी हैं, उनके नेम लिखने हैं. ये जो जो भी नेम है, ये जहां भी आपकी बॉडी में होते हैं, वहां इनको लेबल करना है, ठीक है? नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फेस आर मिसिंग. ड्रॉ द मिसिंग पार्ट्स. दिस एक्सरसाइज इज रियली वेरी फनी. आपको ये करने में बहुत मजा आएगा. क्या करना है इसमें? लुक एट दीज पिक्चर्स, लुक एट दीज फेसेस. इन फेसेस में कहीं कहीं कुछ पार्ट्स, कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है और वो ड्रॉ करना है. लाइक मैं यहाँ पहला जो है वो ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. एक फेस ऐसे दिया हुआ है, उसमें यहाँ आईब्रोज है, यहाँ नोज है, और यहाँ स्माइल, और यहाँ ईयर दिए हुए. सो लुक एट दिस एंड टेल मी विच पार्ट इज मिसिंग हियर. आईज आर मिसिंग ना,
आईज आर मिसिंग, सो यू हैव टू ड्रॉ हेयर आईज. अब इस पार्ट को देखो, लुक एट दिस, यहां पे क्या मिसिंग है? नोज. सो ड्रॉ अ नोज हेयर. एंड हेयर ईयर्स आर मिसिंग, सो ड्रॉ ईयर्स. एंड हेयर माउथ, माउथ मिसिंग है तो यहां माउथ ड्रॉ करना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है, आई एम गोइंग टू राइट हेयर, यू विल डू फ्रॉम दिस एंड दिस एक्सरसाइज यू विल डू इन योर नोटबुक. क्या दिया हुआ है? फिलअप्स है. डी एक्सरसाइज जो है वो दी हुई है यहां पर, फिलअप्स. मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप अपनी बुक में देखना. फिलअप्स है, नंबर वन है वी हैव डैश नोज. यहां आपकी बुक में ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ये जो फिलअप्स हैं इनके ऑप्शंस भी दे रखे हैं. यू हैव टू रीड दीज ऑप्शंस एंड फिल इन दियर सेंटेंसेस. नंबर वन दिया हुआ है वी हैव डैश नोजेस, तो हमारे कितने नोज होते हैं? वी हैव वन नोज, सो वी हैव टू राइट हियर वन. ओके, नंबर टू है वी हैव डैश ईयर्स. चलिए पहले हम लिख लेते हैं, वी हैव डैश ईयर्स. नंबर थर्ड है हमारा वी फील विथ आवर डैश. नंबर फोर्थ है आवर आईज हेल्प अस टू डैश. ओके, नंबर फिफ्थ है डैश ऑर्गन्स हेल्प अस टू डैश ऑर्गन हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड, टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. ओके, तो ये मैंने पहले सारी लिख लिया है. अब इसके बाद आपका जो हेल्प बॉक्स है, हेल्प बॉक्स में यहां ड्रॉ कर देती हूं. आपके हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो है वन स्किन. ओके, उसके बाद टू सी एंड लास्ट वन इज ऑर्गन्स. ओके, दीज आर द हेल्प वर्ड्स, यू हैव टू फिल दीज वर्ड्स हेयर. तो फर्स्ट तो मैंने कर दिया, क्या किया? वी हैव डैश नोज, हमारे कितने नोज होते हैं? वन. तो वन हमने यहां लिख दिया, इसको हम यहां एक क्रॉस लगा देंगे. क्रॉस का मतलब हमारा ये यहां से कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है हमारा वी हैव डैश ईयर्स, हमारे ईयर्स कितने होते हैं? सो सी हेयर ऑप्शंस टू, सो वी विल मेक अ क्रॉस हेयर और टू हम यहां लिख देंगे. वी हैव टू नो ईयर्स, सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा, चलिए थर्ड सेंटेंस रीड करते हैं. वी फील विद अवर, फील किससे करते हैं हम? कोई चीज सॉफ्ट है, हार्ड है और हॉट है, कोल्ड है, तो फील किससे करते हैं? किससे होता है फील? स्किन से. तो यहां क्रॉस करेंगे और इसको यहां लिख देंगे. ओके, ये हो गया हमारा यहां. नेक्स्ट है आवर आईज हेल्प अस टू, आईज जो होती है हमारी आईज वो किसमें हेल्प करती हैं? सी में, देखने के लिए ना. तो यहां एक क्रॉस करेंगे और इसको यहां लिख देंगे. लास्ट है हमारा डैश यहां आएगा ऑर्गन्स और यहां आएगा सेंस. ऑप्शन में सेंस है. डैश ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. अबाउट द वर्ल्ड मीन्स हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है, मीन्स हमारे चारों तरफ जो भी बातें, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो हमें कौन से ऑर्गन से पता चलती हैं? भाई हम सी करते हैं, हियर करते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, इन सब चीजों से ही हम अपने आसपास की जगह को देख पाते हैं, अपने आसपास की जगह का अंदाजा लगा पाते हैं, उनके बारे में पता लगा पाते हैं ना. तो क्या है वो? सेंस ऑर्गन्स. वैसे तो देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, हैंड्स हैं,
लेग्स हैं, स्टमक है, आर्म्स हैं, लेकिन जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स से हमें हमारे वर्ल्ड में, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है उनके बारे में पता चलता है, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स में आईज नोज टंग स्किन ये सब चीजें आती है ना, और इन्हीं सब चीजों से हम किसी भी चीज के बारे में पता लगाते हैं। हम स्मेल करते हैं, हम टच करते हैं, हम सी करते हैं, हम हियर करते हैं। सो यही मेन चीजें होती है हमारे वर्ल्ड, आसपास के वर्ल्ड को जानने के लिए। सो दीज आर द फिलअप्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, सॉरी ऑल दिस वर्क यू विल डू इन योर प्रैक्टिस बुक ओनली। आपको ये सारा वर्क सिर्फ अपने इस बुक में कंप्लीट करना है और चैप्टर रीड करना है। उसके बाद आता है हमारा कंप्लीट द नेम्स ऑफ फाइव फिंगर्स इन योर हैंड, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। चलिए टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, देन लेट स्टार्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव फाइव फिंगर्स इन आवर हैंड ना, इन ईच हैंड वी हैव फाइव फिंगर्स, तो उन फाइव फिंगर्स के हमें नाम लिखने हैं। तो नंबर वन यहां दिया हुआ है टी, और फिर उसके बाद फोर डैश, ओके। नंबर टू है आई, और उसके बाद फोर डैश, वन टू थ्री फोर, और फिर एफ डैश। नंबर थ्री है हमारा एम डैश, फाइव डैश आर देयर, फिर एफ, फिर डैश, ओके। नंबर फोर है आर डैश, फिर वही। नंबर फाइव है एल, फिर एफ, ओके। तो ये फिंगर्स, ये क्या है, ये हमारे हैंड्स की फिंगर्स दी हुई है, जो हमारा हैंड, मैं यहां आपको ड्रॉ कर रही हूं, आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूं मैं। ये जो हमारा हैंड है इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये है नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, ओके। नंबर वन व्हाट इज दिस, दिस इज आवर थंब। तो थंब की स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए हम यहां लिखेंगे टी, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है टी एच यू एम बी, ओके। नंबर टू हमारी ये फिंगर, सो व्हाट वी कॉल दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर। तो आई दिया हुआ है आई एन डी ई एक्स, इंडेक्स, और यहां फिंगर की स्पेलिंग लिखेंगे आई, सॉरी एफ दिया हुआ है एफ आई एन जी ई आर, फिंगर, ओके। नेक्स्ट है यहां नंबर थ्री, दिस फिंगर इज कॉल्ड मिडल फिंगर, ओके। तो मिडल की स्पेलिंग होती है एम आई डबल डी एल ई, मिडल, और फिर यहां फिंगर की स्पेलिंग एफ आई एन जी ई आर, डन। नेक्स्ट नंबर फोर है हमारा, लुक एट नंबर फोर फिंगर, दिस फिंगर इज कॉल्ड रिंग फिंगर, इसमें रिंग पहनते हैं ना, सो दिस फिंगर इज कॉल्ड रिंग फिंगर। तो रिंग की स्पेलिंग आर से स्टार्ट होती है, आर इज गिवन हियर, नेक्स्ट है आर आई एन जी, रिंग, अगेन फिंगर एफ आई एन जी ई आर, एंड लास्ट है दिस वन इज लिटिल फिंगर एल आई डबल टी एल ई एफ आई एन जी ई आर, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दैट वन मोर एक्सरसाइज इज गिवन हियर, व्हाट इज गिवन, क्रॉस आउट द बॉडी पार्ट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। यहां कुछ बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं, आपके भी कुछ एनिमल्स के भी हैं, तो आपको इनको देखना है कि विच बॉडी पार्ट डज नॉट बिलोंग टू यू, आप मीन्स वो आप कौन सा बॉडी पार्ट आपका नहीं है, उस पर आपको क्रॉस करना है। सो लुक हियर, हैंड, पा, फिन, सो इनमें कौन सा बॉडी पार्ट आपके बॉडी पार्ट से बिलोंग नहीं करता है, पा ये एनिमल्स में होते हैं और फिन फिश में होते हैं, ओके। सो मेक अ क्रॉस हेयर, इन दोनों में क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है विंग, टेल, लेग, तो इनमें कौन से बॉडी पार्ट्स आपके बॉडी से बिलोंग नहीं करते हैं, विंग, विंग तो बर्ड्स में होते हैं और टेल एनिमल्स में होती है,
So cross these two body parts. Okay, so this practice assignment is done. What you have to do this before this, you have to read the chapter. जो आपका चैप्टर टू है माय बॉडी, फर्स्ट यू हैव टू रीड दैट चैप्टर. उस चैप्टर को आपको रीड करना है, देन यू विल सॉल्व दिस असाइनमेंट. ओके, ओनली जब तक आप चैप्टर रीड नहीं करोगे आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये है प्रैक्टिस असाइनमेंट. प्रैक्टिस मतलब पहले हमें चैप्टर को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ओनली देन यू कैन डू दिस. सो रीड योर चैप्टर and solve this exercise in your book only. सिर्फ आपको ये book में ही करना है. और अगर ये exercise में आपको photo available नहीं होती है, then you can leave this. Okay, thank you.